देवी और सज्जनों, छोटों को प्यार और सुभाषिश और बड़ों को प्रणाम। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ विशन सिंह एफ राजपुर क्रांति। श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज जन्म शताब्दी वर्ष की बेला में पूरे देश को समर्पित कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने शिक्षा और मानवता के क्षेत्र में जो काम किया है, देश और समाज उनको युगों तक याद करेगा। इसीलिए उनको युग पुरुष और शिक्षा सारथी की महान पदवी मिली है। हम उनके बारे में आपको हर एपिसोड में बताते जाएंगे। तो देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का हमारा विशेष कार्यक्रम। हम आपको सनातन संस्कृति के चार प्रश्न देंगे, दो प्रश्न सामाजिक ज्ञान के होंगे। हर प्रश्न में एबीसीडी में चार विकल्प होंगे, उसमें से एक उत्तर सही होगा। आपको एबीसीडी में ही एसएस न्यूज नेशनल लाइव के यूट्यूब के लाइव चैट में ही समय सीमा में उत्तर देना है। सभी 6 प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देंगे वही बनेगा ज्ञान सम्राट विजेता, और उनको मिलेगा 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रतियोगिता पूरी होने के बाद चैनल के कमेंट बॉक्स में उनकी आईडी लोड कर दी जाएगी। हमारे ईमेल आईडी पर मांगी गई जानकारी उनको देनी है ताकि उनके खाते में पुरस्कार राशि ट्रांसफर की जा सके। तो इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का बदलाव करने का सर्वाधिकार शुभ समय मीडिया हाउस के पास सुरक्षित है। किसी भी तरह का वाद विवाद मान्य नहीं होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रचार करना। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का पहला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाभारत में अर्जुन का रथ किस नाम से जाना जाता था? ए नंदीघोष, बी पांचजन्य, सी जत्र और डी गरुड़ध्वज। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। कंपोटी जी बताइए सही उत्तर क्या है। ए नंदी घोष। सब धरती का गद करूं और लेखनी करूं वनराय, सात समंदर री स्याही करूं, तो भी गुरु गुण लिख्या न जा। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रामचरितमानस के पंचम कांड किस नाम से जाना जाता है? ए सुंदरकांड, बी बालकांड, सी अरण्यकांड और डी उत्तरकांड। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर। ए सुंदरकांड। एक हुया सुनो सब रैला संसार, गुरुजन दीनी सीखिया जगने बारंबार रे भाई, जगने बनेगा ज्ञान सम्राट का प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वामन अवतार किसकी कोख से उत्पन्न हुए? ए सावित्री, बी अदिति, सी अनसुईया और डी गभिस्तिनी। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है।
बी अदिति। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महिषासुर कौन था? ए राक्षस, बी दैत्य, सी असुर और डी दानव। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है। सी असुर। राज पुरोहित कुल में महापुरुष ऋषि दो, राज पुरोहित कुल में महापुरुष ऋषि दो, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओणम भारत के किस राज्य का त्योहार है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी उड़ीसा। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर। केरल। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? ए जून, बी सितंबर, सी फरवरी और डी अगस्त। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है। जून। ज्योत जड़े तप योग सुन, गुरु बिन घोर अंधार, परम पुरुष दोन्यो दियो ज्ञान यो बारं।